बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मेरा जॉर्जिया में 5वां दिन है और आज मैं आपको जो डिटेल दूंगा जॉर्जिया की, वो आप डिटेल सुने बगैर बिल्कुल आपने नहीं आना, पूरी मेरी बात सुननी है, फिर आपने जॉर्जिया का टूर जो है ना वो करना है। ऐसे आपने जॉर्जिया का टूर नहीं करना, क्योंकि अगर करेंगे तो आपको परेशानी भी होगी। ये वीडियो मेरी पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ तो वो आपके आप तक पहुँच जाए बात। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि मैं सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ जॉर्जिया के, सबसे पहले दुबई पहुँचा हूँ। दुबई से मैं आया हूँ इधर जॉर्जिया। जॉर्जिया जब मैं पहुँचा हूँ तो जॉर्जिया में पहुँचा हूँ तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया एयरपोर्ट पे। तो कहते हैं कि जी आप वेट करें। मैंने कहा जी ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मैं बैठ गया उधर। तो घंटे के बाद मुझे उन्होंने बुलाया, तकरीबन एक घंटे के बाद। तो कहते हैं कि जी आप किधर से आए हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो आपके पास कौन कौन सा वीज़ा है? मैंने कहा जी मेरे पास यूके का भी वैलिड वीज़ा है और शेंजन भी वैलिड वीज़ा है, दोनों वैलिड वीज़े हैं। और एक और मेरे पास मराकश का वीज़ा भी था, मैंने वो भी बता दिया कि ये भी वैलिड है वीज़ा मेरा। कहते हैं कि जी आपके पास शो मनी है? मैंने कहा जी मेरे पास शो मनी है, मेरे पास पैसे। कहते हैं दिखाएं आप, शो करवाएं। मैंने उनको पैसे दिखाए। उसके बाद कहते हैं कि जी टिकट दिखाएं, जो अगली है, नेक्स्ट टिकट है। मैंने वो दिखाई तो वो कहते हैं कि इसमें आपका ना नाम शो नहीं हो रहा टिकट में। टिकट थी ऑनलाइन, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, नाम नहीं शो हो रहा था। फिर मैंने उसको टिकट दिखाई, जो मुझे ईमेल आई थी, ईमेल में जाके मैंने उसको टिकट दिखाई कि ये टिकट है मेरी। तो उसने कहा ठीक है। तो कहती है शेंजन वीज़े पर मैं आपको एंट्री नहीं दे रही, मैं आपको दे रही हूँ यूके वीज़ा पर एंट्री। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे यूके वीज़े पर एंट्री दे दें, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो एंट्री चाहिए, किसी पर भी दे दें। फिर उसने मुझे कहा ये होटल बुकिंग दिखाई अपनी। मैंने होटल बुकिंग भी दिखाई। मेरा ये बात करने का मकसद आप दोस्तों से ये है कि जब भी आप आएँ जॉर्जिया, वो पूरी तैयारी से आप आएँ, ऐसे बिल्कुल मुँह उठा के ना आ जाएं। अच्छा एक और चीज़, जो वीज़े जो दुबई से वीज़े लेके लोग आ रहे हैं ना, उनको वो पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर वो एंट्री नहीं दे रहे। वो जितने भी लोग डिफरेंट मतलब इंडिया से आए हैं उनको मिल जाती है तकरीबन ऑलमोस्ट, मगर पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि वीज़ा जो है वो आपका एक साल कम से कम पुराना हो, दुबई का वैलिड वीज़ा हो और पुराना हो, ये ना हो कि नया वीज़ा हो। आपने नए वीज़े पे जो है ना सफ़र नहीं करना, ये नहीं करना कि आपने नया वीज़ा लगवा लिया दुबई का तो महीने दो महीने के बाद आपने ट्रैवल कर लेना है कि हम जॉर्जिया चले जाएँ, वो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। और उसके बाद आप जब एयरपोर्ट से आपने एंटर होना है, मुझे सारे डॉक्यूमेंट देख के मुझे कहते हैं कि वेलकम टू जॉर्जिया। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। मैं एंटर हो गया, अंदर आ गया। मैंने एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी का पूछा कि जी मुझे कोई टैक्सी चाहिए। तो कहते हैं कि जी 100 लीरा में जाएगी, ये तबलीसी सिटी में जाएगी। 120 लीरा मांगे थे मुझसे, लारी इनकी है करेंसी का नाम। और जो पाकिस्तानी है वो तकरीबन इनका 1 रुपया और पाकिस्तान के 70 रुपये तकरीबन बनते हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कुछ थोड़ा चंद पैसों का। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, मैंने कहा मैंने नहीं लेनी गाड़ी, मैंने सिम उधर से परचेज कर ली थी। सिम आप उधर से ले सकते हैं, टूरिस्ट सिम आपको मिल जाएगी, वो तकरीबन 30 लारी की मिलेगी आपको। अनलिमिटेड डाटा होगा उसमें, वो 15 दिन के लिए होगी और अनलिमिटेड डाटा होगा उसका सिम का। उसके बाद आपने क्या करना है, जब बाहर आएंगे, बाहर आके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उधर से आपने गाड़ी लेनी है। उनको कहीं मैंने अपना होटल का होटल दिखाएं, उनसे बार्गेनिंग करें। मैं तो 20 रुपये में आया था इधर अपने होटल में, तो होटल भी अपना चेक कर लिया करें कि कौन सा होटल है, जो नाम वगैरह कहीं गलत होटल में उतार ना जाएँ, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा ही हुआ है कि मुझे वो गलत होटल में उतार गए थे। तो मैं दोबारा फिर अपने होटल में बाद में गया था। उसके बाद आपने जो ख़ास ख्याल रखना है चीज़ों का, वो मैं आपको बताता हूँ। इधर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, हर बंदा चीट करने की कोशिश करता है आपको कि जी मैं अपना कोई भी चीज़। टूरिस्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि एरिया टूरिस्ट है ये, तो कोविड के बाद आपको पता महंगाई भी हर जगह पे है। तो उसके बाद जो है मैंने ट्रैवल शुरू कर दिया।
कुछ चीज़ों को और भी बताता चलूँ आपको, रेट वगैरह बताता हूँ मैं आपको, इधर जो देखने वाली चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ आपको कि इधर देखने वाली चीज़ें क्या हैं। एक है जी मदर ऑफ जॉर्जिया है, एक चर्च है इधर देखने वाला, अब उसका मुझे नाम नहीं आ रहा। दूसरा बोट टूर होता है इधर, बोट टूर के 50 मांगते हैं तो 30 में वो कर देते हैं रेंज टूर जो है ना बोट का। और जो सिटी टूर है उसके भी वो तकरीबन ऑलमोस्ट 70 लारी मांगते हैं और 50 लारी में जो है ना आपको सिटी टूर भी गाड़ी का दे देते हैं। तो आपने ये मेरी वीडियो पूरी गौर से देखनी है और देख के तो फिर ही आपने ट्रैवल करना है, क्योंकि मुझे आज इधर 5वां दिन है और होटल आपने कोशिश करनी है कि अवलाबारी जो एरिया है आपने उधर लेना है। आप मैदान जगह है, मैडन के मैदान जगह है, उधर भी आप ले सकते हैं होटल, मगर आपको होटल और गेस्ट हाउस जो है ना वो बड़े अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। कोशिश करें कि जो एरिया जो है वो अवलाबारी वाला चूज़ करें। अगर अवलाबारी एरिया से तकरीबन 400-500 मीटर के फासले पे आपको तकरीबन ये सारे जो पॉइंट है ना, मदर ऑफ जॉर्जिया, मदर ऑफ जॉर्जिया जो है उसकी 7 रुपये की टिकट है, 7 लारी की। वो आपने जब भी ट्रैवल करना है पहले दो लारी का वो कहते हैं कार्ड बनवाएं और 5 लारी उसकी टिकट है, तो वो तकरीबन तीन चार मिनट की है वो क्या नाम है केबल कार। तो आप केबल कार से भी जा सकते हैं और आप पैदल भी जा सकते हैं। मैं तो केबल कार से ही गया था, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। तो अभी मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ कुछ बातें हैं वो शेयर करता चलूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। और इनकी एंट्री के दौरान फ़ीस नहीं है, 1 रुपया भी फ़ीस ये चार्ज नहीं करते पाकिस्तानियों के लिए और इंडियन के लिए भी नहीं करते, मगर ये है कि आप जब आएँ तैयारी से अपनी। अभी मैं पहुँच गया हूँ इसका जो है अवलाबारी स्टेशन जो है उधर पहुँच गया हूँ। अभी मैं रोड क्रॉस करने लगा था, गाड़ी आ रही थी। अभी मैं आपको अवलाबाद जो स्टेशन है इनका, मेट्रो का स्टेशन है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये इनका स्टेशन है जी अवलाबाद, और डिफरेंट जगहों पे ये जाता है। टैक्सी है तकरीबन ऑलमोस्ट खड़ी रहती हैं इधर, रात को भी आपको मोस्टली मिल जाती हैं टैक्सीज वगैरह, मगर ये है कि बार्गेनिंग के बगैर आप कुछ ना करें। बुके थोड़ा सा ना समय लेके, ये अभी कोरोना से जो मुल्क निकले होते हैं तो आपको फिर पता है कि गुरबत भी है इधर मुल्क में, तो इतना अमीर मुल्क भी नहीं है ये। ये अवलाबारी मेट्रो है, ये टूवर्स लिखे हुए हैं। ये अंडरग्राउंड मेट्रो है जी इसकी, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने तो अंदर नहीं जाना, मैं तो इधर ही हूँ, मैंने अंदर जाके क्या करना है, मगर इधर से अगर नज़र आती है ट्रेन तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से नज़र नहीं आ रही, चले ठीक हो गया। तो ये उनका है कार्ड सिस्टम वाला जो एरिया जहाँ से आप टिकट वगैरह परचेज कर सकते हैं, ये एरिया से इधर से, वो भी इनका सामने काउंटर बना हुआ है। मैं वैसे आज इधर पहले दिन ही आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ बस के मेट्रो का जो है इनका स्टेशन वो कैसा है, मतलब ठीक ही है, अच्छा बना हुआ है, इतना ख़ास भी नहीं है और इतना जो है ना वो मुझे तो अच्छा भी नहीं लगा, पर ठीक ही है। ये एरिया से इधर से सीधा बिल्कुल जाएंगे ना तो होली ट्रिनिटी कैथेड्रल एक चर्च है वो आएगा। ये जो दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा ये उसी चीज़ की बनाऊंगा। ये देखें आप लोकेशन बता रहा है, पैलेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया भी इसी साइड पे है और होली ट्रिनिटी कैथेड्रल ये भी इसी साइड पे है। इनका जी मुझे जो ये वाला एरिया है ना ये बहुत बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। आज सुबह मैंने नाश्ता भी इधर ही बैठ के किया था
ये इस जगह पे, इस जगह पे बूढ़े बूढ़े लोग भी आते हैं और यंग भी आते हैं, सारे आते हैं इधर आके, तो वो बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। ये देखें, और मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ, अभी भी कुछ लोग जो है ना वो बैठे, मेरे ख्याल से कोई ताश वगैरह या कोई ऐसे खेलते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, कि चलो टाइम जो है ना वो हो जाए। अभी मैं जा रहा हूँ अपना, जहाँ से सुबह से मैंने नाश्ता लिया था ना, वो मेरे अंकल है, वो कह रहे हैं कि जी आप मेरे लिए उधर से रोटी ले आना, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके लिए रोटी लेने के लिए। वो सामने जो है वो आपको होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च नज़र आ रहा होगा सामने, वो सामने बिल्कुल, उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, जिस शॉप से मैंने रात सुबह चीज़ें ली थी खाने के लिए, तो उधर से फिर चीज़ें लेते हैं, तो फिर चलते हैं अपने होटल। इस शॉप से मैंने लिया था जी, पहले भी चीज़ें नहीं थी, अभी भी लेने लगा हूँ। ये मैंने चीज़ें ले ली हैं, तकरीबन 8-9 लारी की मिली हैं चीज़ें, बॉटल भी और सारा कुछ भी। ये भी लोग सब्जियों की दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब्जी की दुकान है, ये समझ लेके जो एरिया है ना, ये बड़ी ही मज़े की जगह है, आपको यहाँ से हर चीज़ ही मिल जाएगी। ये फास्ट फूड वाला एरिया है, ये देखिए सब्जी की दुकान है। आज तो इतना ही काफ़ी था, मैंने कहा चलो इन्फॉर्मेशन देता चलो दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।